गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स सी द फर्स्ट मैप वर्क आई एम टेकिंग फ्रॉम हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, सो एज यू कैन सी इट इज आई थिंक इट इज विजिबल टू यू ऑल ऑफ यू। वी हैव ऑलरेडी शेयर दिस मैप 2-3 टाइम्स। दिस इज द कलेक्शन, ठीक है, विच एवर मैप इज रिलेटेड टू द सेकेंड टर्म that we have gone through yesterday from geography chapter 5, 6 and 7 and now it is from chapter 2. ठीक है, most important topic is that is important Indian National Congress sessions where the National Congress conducted the Congress sessions during the national movement, during the struggle of national movement. Okay, so I think there are only 3 important sessions now. It is including, according to the this year CBSE circular, that they have included Indian National Congress only at 3 places, that is Calcutta session, then second one is Nagpur and third is Madras. Okay, so often question is given that please locate the Congress session conducted in year 1920. So children get confused because the year will be the same. ठीक है, first जो session हुआ था वो September 1920 में हुआ था और दूसरा session 1920 का December में हुआ था, ठीक है, और दोनों ही बहुत important sessions थे, right? तो इसमें आपको months के according जो है वो याद कर लेना है कि जो September month में हुआ था वो session जो है वो Calcutta में हुआ था, ठीक है? September में जो session हुआ Indian National Congress का वो Calcutta का session था और दिसंबर का जो सेशन था वो कहाँ पे हुआ था? नागपुर में 1920 में, ठीक है? दोनों के ईयर आपको सेम दिख रहे हैं, 1920 और 1920, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट कर लेना है कि पहला कलकत्ता का है सितंबर में और दूसरा नागपुर में है दिसंबर में, ठीक है? इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक सेशन और है जो कि मद्रास 1927 में कंडक्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। सिर्फ 3, यानी कि कितना ज्यादा आपको, कितने लकी हो ये सारे सेशंस आपको नहीं याद करने हैं जो कि प्रीवियस इयर्स में बच्चों को पढ़ने थे, ठीक है? यानी कि 2020 के बाद से 2020 और 21 वाले जो बैचेस हैं उनको ये सारा कुछ जो है वो हटा दिया गया, सिर्फ यही 3 सेशंस जो है वो मिले हैं एग्जाम में, है ना? तो ये सारे सेशंस आपको याद करने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है? अंडरस्टूड एवरीवन? सो यू कैन प्लीज मार्क डाउन दैट नागपुर इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र द अपर पार्ट, और इफ यू विल डिवाइड द डायरेक्शन ऑफ महाराष्ट्र तो वेस्ट साइड में अपर पार्ट में, ठीक है? वेस्ट साइड में अपर पार्ट में जो है वो आप नागपुर को लोकेट करेंगे। अगर ऑलरेडी दिया हुआ है ए बी सी दिया है लेबल करके, देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, ठीक है, तब तो आप कर ही लेंगे। देन कलकत्ता का आपको दिख ही रहा है, कलकत्ता इज लोकेटेड हियर एंड मद्रास इज जस्ट अपर साइड ऑफ द तमिलनाडु, ठीक है? अंडरस्टूड? नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, इट इज अबाउट दी सत्याग्रह, ठीक है? जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए, दीज आर दी सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, दीज आर दी प्लेसेस वेयर दी सत्याग्रह नेशनल मूवमेंट, यू नो, एनी इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस हियर, राइट? सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी अपर नॉर्थ रीजन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो इंसिडेंट था वो अमृतसर जलियांवाला बाग इंसिडेंट था, ठीक है? यहाँ पे ईयर का कोई कंसर्न नहीं है, मैप में लेबलिंग के लिए आएगा या लोकेट करने के लिए आएगा, तो यू हैव टू लोकेट और यू कैन लेबल, फॉर एग्जाम्पल से ए दिया है और डैश करके लिखा है, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या था यहाँ पे, ठीक है? जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन अमृतसर, ये जो बॉर्डर है, ठीक है, उस जगह पे पॉइंट करना होगा आपको, जो बॉर्डर है इंडिया के अंदर, बाहर नहीं, ठीक है? यहाँ पे कोलैबोरेशन जो है वो व्हाइट बोर्ड का सही नहीं है, तो वो जो मेरा लेबलिंग ये वाला डॉट था ये बाहर चला गया है, ठीक है? आपको इनसाइड करना है। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट इंसिडेंट वॉज दैट वॉज द चंपारण मूवमेंट, ठीक है? चंपारण कहाँ पे लोकेट करता है, कौन से स्टेट में है? इज एनीवन हु कैन स्पीक? बिहार, यस, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बिहार का अगर लोकेट लेबल किया है तब तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसे ऐसे दिया है, यहाँ पे लिख दिया है डैश बी,
ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेस चंपारण, चंपारण दिया है ये आप इजीली पता कर सकते हो। अब यहाँ पे ये दो कंफ्यूजन है कि अगर ये उत्तर प्रदेश में है ठीक है तो ये चौरी चौरा है, दोनों बहुत ही नियरेस्ट प्लेसेस है। चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है और चंपारण बिहार में, ठीक है। और ये चंपारण वाला जो जहाँ से मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो इट विल बी गिवन लाइक वन मोर आंसर, द फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी स्टार्टेड फ्रॉम दैट प्लेस। यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा प्लेस था, चंपारण था कि पोरबंदर था कि दार्जिलिंग था, कुछ ऐसा आपको वहां पे क्लू नहीं दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चंपारण जो है वो आप डिवाइड कर लोगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट जो यहाँ से आपका नॉर्थ वेस्ट में आता है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार, यहाँ पे आपका चंपारण, ठीक है। इसी तरीके से यूपी का भी, यानी कि आपको किसी भी जगह का एग्जैक्ट डायरेक्शन पता करना है कि किसी स्टेट में किस डायरेक्शन में वो प्लेस लोकेट करती है, देन अगेन यू कैन डिवाइड द स्टेट इनटू फोर डायरेक्शंस, ठीक है। तो आपको मार्क करना इजी रहेगा, ठीक है। देन चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा, अब इसमें आपको दिया होगा फ्रॉम वेयर द नेशनल, सॉरी वी कैन से द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ और विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपको ये क्लू नहीं दिया होगा, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। आप खुद से आइडेंटिफाई करोगे कौन सी जगह थी जहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया था गांधी जी ने, विदड्रॉ कर दिया था। तो वो था चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, जहां पे कि पुलिस लाठीचार्ज और ये सब हुआ था, सोल्जर्स पे लाठी चार्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो गांधी जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप करने की डिमांड की। तो ये मूवमेंट जो है ये आपको याद रखना है। देन चंपारण वाला में क्या दिया होगा, इट वाज अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो, यस, वेयर इंडिगो प्लांटर्स स्टार्टेड द मूवमेंट एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन महात्मा गांधी वाज पार्टिसिपेटिंग इन एनी मूवमेंट, ठीक है, इन इंडिया। सो इन दिस वे यू विल लर्न। देन कम टू द नेक्स्ट, इट इज वी कैन से देर आर फोर प्लेसेस यू हैव टू लर्न इन गुजरात, ठीक है। गुजरात में ऐसी चार से पांच प्लेसेस हो सकती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है आपको याद रखना ही है क्योंकि गांधी जी गुजरात के थे। तो दो तीन प्लेसेस तो आपको वैसे ही रटी हुई है, अहमदाबाद है और खेड़ा है, ठीक है, पोरबंदर है, दांडी है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जहां से गांधी जी का एक मूवमेंट का हम कह सकते हैं कि घटना जो है वो जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट हम देखते हैं पैजन सत्याग्रह जो कि चंपारण के बाद हुआ था, वो हुआ था खेड़ा में, ठीक है, आफ्टर 1916 के बाद। आप वहां पे ईयर भी मेंशन है इस मैप में, सबसे अच्छी बात है ये कि इसमें ईयर्स भी मेंशन है। तो खेड़ा जो है वो ये डॉट आपको दिख रहा है, ठीक है, जो ये जो लायन वाला जो माउथ है, ठीक है, आप वहां पे देखोगे इस जगह पे खेड़ा लोकेट करता है एंड दिस मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1917 एंड इट वाज फॉर व्हाट, किसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था ये मूवमेंट, याद है किसी को, खेड़ा में। हाँ बताइए। प्लेग एपिडेमिक एंड इट वाज क्रॉप फेलियर, यस, सो द पेशेंट्स वर डिमांडिंग एग्जैक्टली, वेरी गुड, लीगल रेवेन्यू, यस। देखो पैजन सत्याग्रह था, इसको हम पैजन सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं कि जहाँ पे पैजन सत्याग्रह स्टार्ट किया गया, ठीक है, और क्योंकि कंडीशंस वर अनफेवरेबल एंड दे वर नॉट इन कंडीशंस टू पे दी टैक्सेस, राइट। तो यहाँ पे वो कंसेशन चाहते थे, भाई वो डिस्काउंट चाहते थे कि जो टैक्सेस हैं उनको माफ कर दिया जाए, वेव ऑफ कर दिया जाए, ठीक है। सो द पेशेंट स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन खेड़ा, ठीक है। तो खेड़ा कहाँ पे है, इट इज इन गुजरात, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ यू कैन डू इट। नाउ लुक एट द सेकेंड प्लेस इन गुजरात, दैट इज अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद का जो मूवमेंट था वो किस लिए स्टार्ट हुआ था, ये कोई बताएगा मुझे, अहमदाबाद का मूवमेंट किस लिए स्टार्ट हुआ? इन सपोर्ट ऑफ पार्टीज टू कांग्रेस, यस,
इन सपोर्ट ऑफ द कॉटन मिल वर्कर्स. ठीक है, सो ये थर्ड इम्पोर्टेंट मूवमेंट था जो कि कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में 1918 में गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, तो जस्ट जहाँ पे हमने खेड़ा मार किया था उसके ऊपर जाएंगे. और वैसे तो अगर लेबलिंग आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको आइडेंटिफाई करने में. ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है जो क्लू दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, उस क्लू के अकॉर्डिंग. ठीक है, लाइक फ्रॉम वेयर द कॉटन मिल वर्कर्स स्टार्टेड द मूवमेंट. ठीक है, उस क्लू से आपको फाइंड आउट करना है कि वो जगह अहमदाबाद थी, क्योंकि मार्क जब किया हुआ, मे बी यहाँ पे बी मार्क किया हो, ये भी लेबल करना हो, यहाँ पे सी मार्क किया हो, वो भी लेबल करना, एक ही चीज आती है, इतनी सारी चीज नहीं आएगी, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको. उस क्लू, उस क्वेश्चन के क्लू को आपको पकड़ना है कि कहाँ पे प्रेजेंट सत्याग्रह जो वो खेड़ा में था, और कॉटन मिल वर्कर का जो सत्याग्रह था वो अहमदाबाद में था. ठीक है, तो यू कैन रिकॉग्नाइज. नाउ द नेक्स्ट वन इन गुजरात, दैट इज दांडी. ठीक है, दांडी जो है जहाँ से कि सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था. सॉल्ट मार्च मीन्स इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, जहाँ से उन्होंने डिक्लेयर किया था. इट वॉज द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ. तो जहाँ पे आप ये डॉट देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे गुजरात का ये एंड पॉइंट है, जहाँ पे मैप खत्म हो रहा है गुजरात का, और महाराष्ट्र का स्टार्ट हो रहा है. तो जस्ट उसके अब गुजरात में दांडी को लोकेट करेंगे. It was the place from where the salt law was broken by the Gandhi ji. ठीक है, and it was the beginning of the civil disobedience movement. तो दोनों चीजों से आ सकता है कि from where the salt law was broken and then या दूसरा point ये हो सकता है जहाँ से कि civil disobedience movement was started. ठीक है, दोनों points में ये आ सकता है. ठीक है, पहले बारदोली था, बारदोली नो टैक्स कैंपेन जो स्टार्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो इसमें नहीं है. ठीक है, इस मैप में जो इस साल का है. ठीक है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बारदोली नो टैक्स कैंपेन इस साल हटा दिया गया है. अंडरस्टूड नाउ. तो गुजरात में आपकी चार जगह हो गई, पहला है खेड़ा, दूसरा अहमदाबाद, और तीसरा दांडी, और इसके अलावा कौन सा है, तीन ही तो है. ठीक है, तीन ही है. गॉट इट एवरीवन? ठीक है, यस. अब हम इसके अलावा मैप में और कुछ भी आपको कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको मैप में याद करनी है. यानी कि कुल मिला के ये 8-9 पॉइंट्स हैं जो आपको मैप में हिस्ट्री में लर्न करने हैं. ठीक है, अब साबरमती का भी है, पोरबंदर का भी है, लेकिन वो सब चीजें जो है वो जो सर्कुलर है उसमें मेंशन नहीं किया है. लेकिन ये कॉमन चीजें जो शायद आपको पता है ऑलरेडी कि साबरमती गुजरात में है और पोरबंदर भी गुजरात में है. ठीक है, पोरबंदर जहाँ पे कि गांधी जी का जन्म हुआ था, साबरमती आश्रम जो गांधी जी ने बनाया था. ठीक है, जहाँ से सेल्फ रिलायन की जो उनकी चरखा था वो स्टैब्लिश किया उन्होंने और उसको प्रोपोगेट किया पूरे इंडिया में. ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर नाउ. अंडरस्टूड? मैप वर्क क्लियर हो गया सबको हिस्ट्री का? ठीक है, अब सैम्पल पेपर्स में देखोगे अगर तो जो अभी रिलीज किया है उसमें थर्मल पावर प्लांट का तो दिया है ज्योग्राफी में से, और अगर हिस्ट्री से देखेंगे तो हिस्ट्री में दिया है 13 क्वेश्चन. द प्लेस फ्रॉम वेयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस. ठीक है, इट इज ऑफ 1 मार्क्स, इट मीन्स यू हैव ये क्वेश्चन जो है वो आपको लोकेट करने के लिए आएगा. ठीक है, तो वेयर यू विल लोकेट, यू विल लोकेट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस. ठीक है, डायरेक्शंस के थ्रू आप कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश के जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जहाँ पे कि गोरखपुर है. ठीक है, गोरखपुर. अंडरस्टूड? तो पूर्वांचल जिसको बोलते हैं चौरी चौरा, वहाँ पे लोकेट करेगा. ठीक है, अब दूसरा देखेंगे 13.2. तो ये तो ज्योग्राफी से, यानी हिस्ट्री से सिर्फ एक ही मैप दिया है इन्होंने. अंडरस्टूड एवरीवन? यस. सो यू कैन सी जनरल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन. देयर विल बी 5 सेक्शंस, ए बी सी डी एंड ई, एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल दे विल गिव यू सम चॉइसेस, इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी क्वेश्चंस में. ठीक है, बट सैम्पल पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो एक्चुअली बोर्ड पेपर्स होते हैं उससे. ठीक है, सेक्शन ए
Question number 1 to 5 are very short answers type, and it will carry 2 marks for each. Okay, so you have to there should be word limit. Okay, 40 words hone chahiye, and very strategically ki aapko 2 me se 2 milna hi chahiye. Okay, section B is for 6 to 8 short answers type questions, and it is carrying 3 marks, and it should not exceed above 80 words. ठीक है, 80 words से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई, 80 गिन के मत चलना, 85, 90 तक ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. Section C 9 to 10 यानी कि दो section सिर्फ दो questions जो हैं वो सिर्फ 5 marks के होंगे, दो question 5 marks के हैं. ठीक है, and it should be at least 120 words. Section D is 11 and 12 question which will be based on case study. ठीक है, and section E is question number 13. It is map based. तो इनके पास ज़्यादा option नहीं बचते क्योंकि सिर्फ 40 marks का paper है. तो 1 marks जो है वो history का है और 2 marks geography के. ठीक है, तो यानी कि 3 marks का होगा map work, 1 from history and 2 from geography. Okay, so look at, there is no overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions. So, internal choice hogi aur koi other options nahi hoge. Theek hai? Okay, now look at this. Lekin question paper jo hai wo sets mein aate hai. A, B, C, uske according jo hai wo diya ja sakta hai. Now look at the first section. ये 2 marks के लिए है. How did the non-cooperation movement unfold in the cities and towns of India? ठीक है, we will start this chapters division from Monday. ठीक है, that is nationalism in India. So I think आपको यहाँ पे stages बताने हैं. ठीक है, वो folds बताने हैं जहाँ जिन folds में towns और cities में national cooperation movement start हुआ था. ठीक है, unfold in the cities and towns in India. So what you will write, you have to write the answer in 40 words at least. For that you can write up to 4 points. Kam se kam iske liye 4 points aapko likhna hi hai. Theek hai, 2 marks ke liye 4 points ye maan ke chalo, aur speed limit badha ke likhna hai. Theek hai, speed limit yani speed of writing jo hai wo iska dhyan rakhna hai. First of all you will write as per the marking scheme. The movement started with middle class participation in towns and cities. ठीक है, and thousands of we can say the students and government officers as well as the teachers, professors, they start resigning from the schools and colleges and from their offices. Like, ठीक है, so first stage तो यही था कि जो middle class थे उन दोनों ने movement को start किया था. ठीक है, और स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो भी थे उन्होंने वहां से अपनी रिजाइन करना स्टार्ट किया, दे बायकॉटेड. ठीक है, एंड लॉयर्स दे स्टार्ट लिविंग, आप कह सकते हैं कि दे स्टार्ट वी कैन से वर्ड नहीं आ रहा है, लॉयर्स, यस लॉयर्स और एडवोकेट जो भी थे दे स्टार्ट गिविंग अप देयर प्रैक्टिसेस. याद आया आपको ये टॉपिक? ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिसेस जो है वो बंद कर दी थी, लीगल प्रैक्टिसेस जो लॉयर्स और एडवोकेट थे. एंड देन द काउंसिल ऑफ इलेक्शंस, द काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस. ठीक है, सो वो स्टेप्स आपको वन बाय वन स्टेप जो है वो यहाँ पे लिखना है. इससे रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट्स हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते चाहिए. ठीक है, जहाँ पे कि आपका 2 में से 2 ही मार्क्स आए वहाँ पे कोई आपको 2 में से 1.5 ना दे पाए. ठीक है, इतना आपको आंसर लिख देना है इसमें. देन व्हाई इज टूरिज्म कंसीडर्ड एज अ ट्रेड, ये अभी हमने पढ़ा था. टूरिज्म को हम एनकरेज कर सकती है गवर्नमेंट. ठीक है, फॉरेन टूरिज्म, इको टूरिज्म हमने पढ़ा था, हमने मेडिकल टूरिज्म पढ़ा. ठीक है, मेडिकल टूरिज्म को हम एनकरेज कर सकते हैं. इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चर एंड हेरिटेज टूरिज्म, वी कैन एनकरेज आर हेरिटेज साइट्स, जो हमारा रीजनल हैंडीक्राफ्ट वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है. ठीक है, सो ये बेसिकली जो गवर्नमेंट है दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन फॉरन एक्सचेंज वाइल एनकरेजिंग द टूरिज्म. ठीक है, अंडरस्टूड एवरी वन? यू कैन राइट एट लीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स अगेन, बट वो शॉर्ट में होने चाहिए. शॉर्ट में मतलब एक एक सेंटेंस में आप उनको लिख सकते हो, पैराग्राफ में बिल्कुल बिल्कुल नहीं लिखेंगे.
ठीक है, जो भी 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें पैराग्राफ तो बिल्कुल नहीं लिखना है आपको। नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। अगेन वन पार्टी सिस्टम इज सिंगल पार्टी सिस्टम, यू विल गेट राइट विद एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ लिखोगे इसमें कि वन पार्टी सिस्टम के कौन कौन सी कंट्री में कौन सी पार्टी है, एंड यू कैन राइट एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट ऑल्सो इफ यू नो। अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट वन पार्टी को डिफाइन करके एग्जाम्पल लिख दोगे, टू पार्टी सिस्टम को डिफाइन करोगे और उसका एक एग्जाम्पल लिखोगे। अंडरस्टूड एवरीवन? व्हाट? हाँ, यस, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज अ स्टेट। हाँ, वन पार्टी सिस्टम इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एंड देन टू पार्टी सिस्टम में आप यूनाइटेड स्टेट्स का लिख सकते हो, और यस हाँ, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी एंड इन यूके। ठीक है, यूके का यस, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप अगर जानते हैं तो वो भी आप अपने आंसर्स को एनकरेज करने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत बहुत सी एक चीजें टाइम लिमिट में ही खत्म होनी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो मार्किंग स्कीम है, अगर आप मार्किंग स्कीम में देखेंगे तो 4-5 पॉइंट्स दिए हैं, एंड यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट व्हाट इज द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं आपको सबको पता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने आंसर्स को स्ट्रैटेजिकली अच्छा सुंदर अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यू कैन राइट मीन्स अलॉन्ग विद द बुलेट पॉइंट्स जो आप अपने आंसर्स लिख रहे हो टू द पॉइंट लिखोगे, एंड यू कैन मेक फ्लो चार्ट आल्सो रोल ऑफ आरबीआई। ठीक है, अच्छा वो सुंदर सा बनाओगे, देन यू कैन यस बैंकर्स करेंसी यस। ठीक है, इश्यूज करेंसीज, ठीक है, मॉनिटर्स क्रेडिट 50%। एग्जैक्टली, मॉनिटर्स क्रेडिट सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, आपको कैसे फ्लो चार्ट के थ्रू आंसर स्टेटिक्स मिनिमम यस रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्टली, तो वो हमारा क्रेडिट सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम में आता है मैम। इवन इट यस इट सुपरवाइजेस दी फॉरेन एक्सचेंज, ऑल्सो सुपरवाइजेस दी एक्सचेंज। ठीक है, तो थोड़ा सा हटके आप जब स्ट्रेटेजिकली आंसर्स बनाओगे तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको मौका मिलेगा वहां पे आप कंसेप्ट मैप और फ्लो चार्ट के थ्रू आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स एंड इन ज्योग्राफी विच आई हैव गिवन यू इन वर्कशीट। ओके, अंडरस्टूड नाउ? ठीक है, आरएसएन में इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई करनी है, और ये मैंने 9th क्लास में भी आपको ये बताया है। अंडरस्टूड एवरीवन? सो हाउ यू आर राइटिंग, यू आर डिस्क्राइबिंग इन वेरी शॉर्ट, ठीक है, विद इन अ स्ट्रेटेजिक और अट्रैक्टिव वे व्हाट आर द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, दैट इट इज द बैंकर्स बैंक। ठीक है, इट इज द बैंक, इट इज द मदर बैंक ऑफ द एंटायर कंट्री। अंडरस्टूड, इट इज द सुप्रीम बैंक। देन आप इसको इतना बनाने के बाद, ठीक है, फटाफट आपके पास पेन है, आप पेंसिल बना दो, आप पेंसिल का निकालने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अंडरस्टूड, एंड देन यू कैन राइट और एक्सप्लेन इन वर्ड्स इन इन बुलेट्स। बुलेट्स में आप लिख दो कि हाँ कैसे ये मदर बैंक है, सारी चीजों को देखती है, मॉनिटर करती है, ठीक है, क्रेडिट सिस्टम को देखती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखती है। इट वॉज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे वो भी ऐड कर दो, दैट इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1935। ठीक है, 1935 ही है शायद, ठीक है, उस समय तो कैलकटा ही बोलते थे, तो कैलकटा लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके पास। अंडरस्टूड नाउ? ठीक है, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर आके खड़े हो गए हैं, बट मैंने इन्होंने मेरा 10 मिनट लिया था, तो मैं 10 मिनट मैं एक क्वेश्चन और कर लेती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इट इज अबाउट द डेटा। ठीक है, अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ा था, उसमें आपने डेटा देखा था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाला जो था, वही उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। रीड द डेटा इन द टेबल गिवन बिलो।
आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस. ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि आपने जब चैप्टर स्टडी किया तो उसके साथ आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये डेटा ऑब्जर्व किया जो चैप्टर के साथ दिया हुआ है एंड इट इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टील प्रोडक्शन. ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया. सो हियर अकॉर्डिंग टू द ईयर 2015 एंड 16 इट इज इन मिलियन टर्न्स 106.60 और 2019 और 20 का इसके आप माइनस करके पहले ही देख लो कि कितना आ रहा है. ठीक है, आपने टैली कर लिया. अब क्वेश्चन क्या दिया है, 5.1 कंपेयर फ्रॉम 15 टू 16 एंड 19 टू 20 डेटा एंड गिव एनी वन रीजन. ठीक है, आपको सिर्फ एक कारण बताना है फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 2019 एंड 20. ठीक है, तो आपको ये अभी जस्ट थोड़े दिन पहले हमने ये चैप्टर पढ़ा था because of the burning of coking coal and the less energy resources there is less production or the production of the steel has been reduced, it has been declined. Okay, so that you can mention here and please go through, there are some more points given. Now look at the next 5.2. Why is production and consumption of steel considered as an index of the country's development? Again, देखो यहाँ पे ये थोड़ा analyze करने के लिए है question. आपको आपने क्या analyze किया कि यहाँ पे आपको analyze ये करना है कि अगर किसी country का production और consumption जो है वो increase होता है. ठीक है, so it will be considered as the index of country's development. How you are assessing this situation? Yes, is there anyone who can speak? क्या production और consumption बढ़ने से country का development index जो है वो बढ़ेगा? Yes, बोलो स्वास्ति. हाँ, production and consumption of steel is considered as an index of country's development. Yes, because iron and steel industry is mostly supported construction. Yes, very good. Infrastructure. Yes, exactly. Infrastructure. Exactly, very good. ठीक है, देखो. Sales, telephone and IT industry. Obviously, obviously. देखो, क्या होगा production? When there will be more demand, it will obviously lead to the more supply. अगर demand बढ़ेगी तो supply बढ़नी ही बढ़नी है. ये economic का सबसे पहला rule है. ठीक है, अगर डिमांड घटती है तो सप्लाई घट जाती है मार्केट में, लोग प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं मार्केट में. आरएसएल में अगर आलू और टमाटर जो है लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे तो फिर उसकी वैल्यू घट गई. ठीक है, उसका सप्लाई भी कम हो जाएगा. सिमिलरली अगर आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन, उसकी डिमांड बढ़ती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तब जब उसकी कंजम्पशन ज्यादा हो रही होगी. और कंजम्पशन कब होगी, जब उसकी नीड बढ़ रही है. ठीक है, तो नीड कब होगी, जब हमें ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें हाउसेस बिल्डिंग बनानी है तो हम आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल करेंगे. हमें इंडस्ट्रीज बनानी है, हमें मशीनरी बनानी है तो हम आयरन एंड स्टील का यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो इट विल बी ऑब्वियसली रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरीज एंड सो मेनी थिंग्स.